नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वाले की एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको हर दिन देता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड सबसे बेहतरीन और सबसे गर्मा गर्म न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने आज इंडिया में अपना Mi वैक्यूम क्लीनर लॉन्च कर दिया है, जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा है। और ये वाला डिवाइस इंडिया में लॉन्च हुआ है 30,000 रुपए पे। वैसे अभी ये इंट्रोडक्टरी ऑफर पे मिल रहा है, इसका मतलब अभी इस चीज का प्राइस है 18,000 रुपए। अगर आप लेना चाहते तो Xiaomi के जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें से आप ले सकते हैं। और Xiaomi का एक मिस्टीरियस डिवाइस हो सकता है कि Redmi Note 9 का चाइना एडिशन हो, या फिर जो इंडिया में आने वाला है Redmi 9 वो हो सकता है, जो कि दिखने में बिल्कुल Redmi Note 9 Pro जैसा है। और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुका है, जैसे कि इसमें होगा 3GB, 4GB या फिर 6GB रैम वेरियंट, 32GB, 64GB या फिर 120GB स्टोरेज। इसमें बैटरी होगा 4900 के आसपास। इसमें डिस्प्ले होगा 6.53 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। और इसमें जो प्रोसेसर वो होगा हीलियो G80 प्रोसेसर। और इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होगा। तो कहा जा रहा है कि ये वाला डिवाइस हो सकता है कि Redmi Note 9 चाइना वाला एडिशन या फिर Redmi 9 इंडिया वाला एडिशन हो। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये वाला डिवाइस क्या होता है। तो अभी ऑलमोस्ट कॉन्फर्म न्यूज मिल चुका है कि ये जो Poco F2 और Mi Note 10 Lite ये दोनों डिवाइस मई महीने पे लॉन्च हो सकता है। इसका मतलब बस एक ही महीने में ये दोनों डिवाइस लॉन्च होगा। ये जो Mi Note 10 Lite ये होगा Snapdragon 730G वाला स्मार्टफोन, और ये जो Poco F2 ये होगा Snapdragon 865 वाला स्मार्टफोन। और दुनिया में जो जो भी कंपनी MediaTek की तरफ से कोई भी प्रोसेसर यूज इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि Xiaomi, Oppo, Vivo, Sony, Realme, सारे के सारे कंपनी को जो UL बेंचमार्क साइट है उसमें से हटा दिया गया है। क्योंकि आपको तो पता ही है रिसेंटली MediaTek कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है। कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो बेंचमार्किंग साइट उसमें MediaTek कुछ गड़बड़ कर रहा है, जिससे कि MediaTek के जो बेंचमार्क स्कोर वो बहुत ज्यादा है। इसलिए MediaTek को स्पेशली UL बेंचमार्किंग साइट से हटा दिया गया है। अगला न्यूज है Realme की तरफ से। आपको तो बताइए 20 सितंबर से इंडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सारे के सारे डिलीवरी फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन का डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए Realme अपने जो ड्यू डिवाइस, जो कि है Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A, ये दोनों डिवाइस लॉन्च होने वाला है। ये दोनों डिवाइस लॉन्च होगा 21 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे। और अगर आप फुल एचडी क्वालिटी में ये जो दोनों डिवाइस का लॉन्च इवेंट देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल पे बिल्कुल 12:30 बजे जरूर जुड़ जाना। तो iQOO का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया iQOO का स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन का नाम है iQOO Neo 3 और इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुका है, जैसे कि इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर होगा, जिसका Antutu स्कोर है 6 लाख से भी ज्यादा। इसका डिस्प्ले होगा 144Hz का रिफ्रेश रेट। इसमें होगा 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, और जो 256GB स्टोरेज वो होगा UFS 3.1। इसमें होगा 44W का फास्ट चार्ज। और ऐसे बढ़िया स्मार्टफोन का प्राइस होगा 3,000 युआन, मतलब लगभग इंडियन रुपीस में 32,000 रुपीस के आसपास, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही परफेक्ट प्राइस है एक स्नैपड्रैगन 865 स्मार्टफोन के हिसाब से। तो अगर देखते हैं कि आखिरकार ये वाला स्मार्टफोन किस दिन में इंडिया में लॉन्च होता है। अगला न्यूज है ZTE की तरफ से। तो ZTE का एक और नया गेमिंग स्मार्टफोन आने वाला है, इसका नाम होगा ZTE Nubia Play। और ये वाला स्मार्टफोन स्पेशली इसके 5G कैपेबिलिटी और बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। और ZTE के हर एक स्मार्टफोन की तरह मेरे ख्याल से ये वाला Nubia डिवाइस भी 100% इंडिया में जरूर लॉन्च होगा। इसके बाद का न्यूज है TSMC की तरफ से। एक ऐसा कंपनी है जो कि दुनिया के लगभग सारे कंपनियों के लिए प्रोसेसर जो मेन चिप वो बनाता है, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मीडियाटेक और भी बहुत सारे कंपनियों के लिए एक प्रोसेसर बनाता है। आप कह रहे कि TSMC का जो अपकमिंग, मतलब अपकमिंग से भी उसके बाद अपकमिंग जो प्रोसेसर आने वाला है वो होगा 5 नैनोमीटर प्रोसेसर, लेकिन TSMC 3 नैनोमीटर चिप के ऊपर काम कर रहा है, जो कि आएगा 2022 के शुरुआत में। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 5 नैनोमीटर प्रोसेसर बहुत ज्यादा चांस है इस साल के आखिर में आएगा या फिर 2021 के शुरुआत में आएगा। जो नया वाला एप्पल के प्रोसेसर एप्पल A14 वो होने वाला है 5 नैनोमीटर प्रोसेसर पे। Huawei का जो अपकमिंग Kirin 1020 वो होने वाला है 5 नैनोमीटर प्रोसेसर पे। और ये सारी कंपनी जो प्रोसेसर इस्तेमाल करता है वो बनाता है TSMC। अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। एप्पल का तो एक ही टारगेट है, पैसा पैसा और पैसा।
इसीलिए एप्पल कंपनी ने अपने सारे के सारे जो एप्पल स्टोर्स वो साउथ कोरिया में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मतलब एप्पल को हमेशा ही एक ही चीज चाहिए, बस पैसा। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए एप्पल अब ऑडियो सेक्शन में भी उतरने वाला है। इसीलिए एप्पल काम कर रहा है अपना मॉड्यूलर नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन के ऊपर, जो कि सीरी के साथ पेयर्ड होगा। अब देखिए, मॉड्यूलर ऑडियो डिवाइस मतलब एक ऐसा हेडफोन जिसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। मतलब हम फोल्ड करते करते उसे बहुत ही छोटा बना सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही यूनिक क्वालिटी का ये एप्पल का प्रोडक्ट आने वाला है। और आपको तो बताइए, एप्पल का प्रोडक्ट वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट, मतलब खर्चा भी बहुत ही ज्यादा। तो अब कोरोना वायरस रिलेटेड आपको कुछ न्यूज दे देता हूं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक नया टूल के ऊपर काम कर रहे, कहा जा रहा है कि एक ऐसा एआई बेस्ड टूल होगा जो कि लोगों के बात करने का तरीका या फिर उसके खांसने के तरीके को एनालिसिस करके ये पता कर लेगा कि सामने वाले को कोरोना वायरस है या फिर नहीं। और केरला इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक नया कोरोना वायरस टेस्टिंग टूल बना लिया है। कहा जा रहा है कि ये जो नया कोरोना वायरस टेस्टिंग टूल ये चाइना वाले से बहुत ही सस्ता है और चाइना वाले से बहुत फास्ट है। मतलब बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस सामने वाले इंसान को है या फिर नहीं ये टेस्ट करके आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट दे देगा। और इंडियन आर्मी ने एक लो कॉस्ट थर्मल स्कैनर और एक एंटी एरोसोलाइजेशन बॉक्स बना लिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं, इंडिया में टैलेंट का कोई भी कमी नहीं है। मतलब इंडियन रिसर्चर्स अगर चाहे तो कुछ भी चीजें बना सकता है। और आज का आखिरी न्यूज, आपने तो बहुत सारे टीवी फिल्म या फिर फिक्शनल फिल्म में देखा ही होगा, चांद में रिसर्चर्स ने एक नया बेस बना लिया है जहां से वो लोग रिसर्च करते हैं। तो नासा भी अब सेम चीज करने की कोशिश कर रहा है, आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। दरअसल नासा का एक नया जाइगेंटिक टेलीस्कोप का ब्लूप्रिंट कहा जा रही है मून पे क्रेटर के अंदर होगा। और अगर इसमें ये जाइगेंटिक टेलीस्कोप बनाया जाए तो गैलेक्सी के बहुत ही दूर तक बहुत ही आसानी से ये जो टेलीस्कोप एक पिक्चर ले पाएगा, जो कि स्पेस साइंस रिसर्च में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आज के टेक न्यूज़ यही तक, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।